मेरे पास ये कुछ पेपर्स हैं, इनसे मैं अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीद सकती हूँ। मैं हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट भी करा सकती हूँ इनसे, मार्केट में कुछ शॉपिंग भी कर सकती हूँ, और इन्हीं कागज़ों से मैं कहीं घूमने जा सकती हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में जा सकती हूँ। एक्चुअली ये जो पेपर्स हैं, इनकी वैल्यू ये है कि अगर मैं अपनी कोई भी ज़रूरत को पूरा करना चाहूँ तो इनको मैं खर्च करके इनसे मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि ये कोई सामान्य पेपर नहीं है, बल्कि ये है मुद्रा, यानी कि पैसे। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कुछ सिक्के हैं। तो चलिए, अगर हम बहुत साल पहले के इतिहास में चलें तो हम देखेंगे कि बहुत समय पहले जो लेन देन के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, वो वास्तव में इस तरह की मुद्रा या इन सिक्कों के रूप में नहीं होती थी। बहुत वर्षों पहले हम लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। कई बार कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके खेतों में धान की खेती बहुत अधिक होती थी, और कुछ ऐसे होते थे जिनके खेतों में गेहूं की खेती बहुत अधिक होती थी, तो वो धान के बदले गेहूं प्राप्त कर लेते थे। तो आपने देखा कि बहुत वर्षों पहले हम लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। ऐसा हम इसलिए करते थे क्योंकि उस समय इस तरह की मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। लेकिन वस्तु विनिमय में बहुत सी कठिनाइयां भी देखने को मिली। अब मान लीजिए एक बकरी है, उस बकरी के बदले 10 किलो अनाज मिल जाता है, लेकिन एक व्यापारी को केवल 5 किलो अनाज की ज़रूरत है। तो अब वो क्या करे? क्या वो आधी बकरी दे देगा और 5 किलो अनाज ले लेगा? नहीं। ऐसी ही बहुत सारी परेशानियां तब आई जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। और वस्तु विनिमय के इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा के जन्म के साथ साथ अगर हम बहुत पुराने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में वहाँ पर मुद्रा का जन्म तो हो गया था, लेकिन उसका स्वरूप कुछ अनिश्चित सा था। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो मुद्रा है, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसका स्वरूप निश्चित होता है। जैसे हम देखते हैं 100 रुपए के नोट की एक अलग फोटो है, एक अलग इसका स्वरूप है, इसकी वैल्यू अलग है। 500 का नोट कुछ अलग है, 50 रुपए का नोट कुछ अलग है, 10 रुपए 20 रुपए के नोट का स्वरूप, उनकी वैल्यू कुछ अलग है। लेकिन इतिहास को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक, कोई एक निश्चित आकार या निश्चित वैल्यू उसके वहाँ पर स्पष्ट नहीं की जा सकती थी। कुछ वस्तुओं के आधार पर मुद्राओं को निर्मित करके मुद्रा मान के उसको प्रचलन में लाया गया, लेकिन फिर भी इनकी स्वीकार्यता नहीं थी। यानी प्रत्येक व्यक्ति इसको मुद्रा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही उस समय एक दोष ये भी देखने को मिला कि इनका आकार अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता था। अब इनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में कठिनाई होती थी, इनकी वैल्यूएशन करने में कठिनाई होती थी, समझने में कठिनाई होती थी। तो मुद्रा के इन सभी दोषों को दूर करने के लिए धीरे धीरे एक निश्चित आकार, निश्चित मूल्य के मुद्रा का जन्म हुआ, जिसे हम सिक्कों के रूप में देखते हैं। उस समय किसी विशेष धातु को पिघलाकर एक आकार देकर मुद्रा को बनाया गया, और उस समय, उस जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी एक निश्चित जो आकृति थी उसको ठोक कर सिक्कों में गढ़ दिया जाता था। किसी स्पेशल किसी चिन्ह को, किसी प्रतीक को मुद्रा में अंकित कर दिया जाता था।
लेकिन सिक्के से जो जिन मुद्राओं का प्रचलन हुआ उसमें भी एक दोष ये देखने को मिला कि बार बार इनके प्रचलन से मार्केट में आने से किसी प्रकार से मुद्रा में जो उनकी आकृति थी वो निश्चित नहीं रह गई, वो उसमें कमी आते गई, छिलाते गई, वो उसका स्वरूप बदलता गया। पुराने सिक्के आप देखे होंगे तो वो कहीं टूटे फूटे से रहते, जिनको हम बोलते हैं खोटा सिक्का। तो इस तरह से यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आने लगी। इस परेशानी से बचने के लिए बहुत आसान एक तरीका अपनाया गया कि उनकी जो मोटाई थी उन सिक्कों की वो ज़्यादा कर दी गई, और धातु कुछ ऐसे प्रयोग में लाई जाने लगी सिक्के बनाने के लिए जिनमें थोड़े बहुत चोट का, थोड़ी बहुत गिरने का या छिलने का डर जो था वो समाप्त हो गया। और जब धीरे धीरे ये सिक्के प्रचलन में आने लगे तो छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारी इनका प्रयोग अपने व्यापार में भी करने लगे। लेकिन इन सिक्कों के प्रयोग में एक बड़ी बाधा ये आई कि उस समय अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के सिक्कों का प्रयोग आय व्यय के लिए किया जाता था। जिसे आज हम देखते हैं कि हर देश की जो करेंसी है वो अलग-अलग है। अगर हमको भारत से अमेरिका जाना है तो हमारे पास वहाँ पर लेन देन के लिए अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर होना चाहिए। तो जब भी हम यहाँ से भारत से अमेरिका जाते हैं तो फिर हम इंडिया के जो रुपीस है जो करेंसी के रूप में उसको हम पहले डॉलर में हमको चेंज करना होता है। तो ऐसी ही समस्या उस समय सिक्कों के प्रयोग के साथ भी आई। अब छोटे छोटे जो व्यापारी थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार किया करते थे, उनके सामने इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यापारियों ने एक उपाय लगाया। उन्होंने हुंडियों को प्रचलित किया। क्या है ये हुंडियां और कैसे काम करती थी उस समय, इसको हम एक उदाहरण से देखें। मान लीजिए एक व्यापारी ए है, इसको जाना है दिल्ली में कुछ लेन देन करने। मान लीजिए इसको सिक्कों में 4,000 रुपए की जरूरत है। अब 4,000 रुपए के सिक्कों को अगर वो रायपुर का व्यापारी है तो वो दिल्ली में प्रचलित सिक्कों के रूप में कैसे परिवर्तित करे। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए हुंडी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ए जो व्यापारी है उसके पहचान का एक व्यापारी बी है जिसकी एक शाखा रायपुर में भी है और दूसरी शाखा दिल्ली में है। तो बी व्यापारी जो है वो अपने दिल्ली में बैठे हुए एजेंट को एक हुंडी लिख देता है और यह आदेश दे देता है कि वो ए जब दिल्ली जाए तो दिल्ली की जो मुद्रा है उस समय प्रचलित उस मुद्रा में 4,000 रुपए का उसको भुगतान कर दे। तो एक तो ए इस समस्या से बच गया कि इतने सारे सिक्कों को वो लेकर कैसे जाए। दूसरा एक और लाभ उसको मिल गया कि वो सिक्कों को उस क्षेत्र के सिक्कों में कैसे परिवर्तित करवाए। तो हालांकि उस समय की समस्या थी लेकिन धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होता गया। उस समय प्रचलित मुद्रा के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता गया और इन्हीं व्यापार व्यवसायों को सुगम बनाने के लिए फिर धीरे धीरे पत्र मुद्रा यानी कि नोट जिनको हम कहते हैं उसका जन्म हुआ। और आज हम जिस पत्र मुद्रा को जिस नोट को देख रहे हैं वो सर्व स्वीकार्य जो मुद्रा है उसके रूप में हमारे सामने स्थापित होती है। क्योंकि पहले हमने देखा पहले जिन मुद्राओं का प्रचलन आया लोगों का उनके प्रति विश्वास कम था कि वो प्रचलन में रहेंगी भविष्य में या नहीं रहेंगी। इसके लिए लोग चाहे तो उस मुद्रा को किसी जो सोने के कारोबारी जो लोग होते थे उनसे उस मुद्रा के बदले उतनी ही मात्रा में वो सोना या चांदी ले सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी उनको दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कुछ लोग उसको स्वीकार करते गए, व्यापार व्यवसाय जो था उन्हीं मुद्राओं पर आधारित होता गया, तो धीरे धीरे उन मुद्राओं की सर्व स्वीकार्यता यानी हर कोई उस पर विश्वास करे ये बढ़ता चला गया। और फिर आज हमारे सामने जो मुद्रा है वो मुद्रा सर्व स्वीकार्य मुद्रा के अंतर्गत आती है जिस पर हर कोई व्यक्ति विश्वास करता है। सरकार जो है इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने का प्रयत्न करती है।
अब अगर हम आज की मुद्रा की बात करें, आज के व्यापार की बात करें, आज के लेन देन की बात करें, तो हमारा सारा लेन देन आज जो प्रचलित मुद्रा है हमारे सामने, जिसके बारे में हमने अब तक देखा, उन मुद्राओं के आधार पर लेन देन हो रहा है। लेकिन अब पहले से कहीं आगे हम बढ़ चुके हैं। अब हमारा लेन देन केवल कागजी मुद्रा, पत्र मुद्रा तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब हम कागजी मुद्रा यानी कि कैश लेन देन के साथ साथ पुरानी परंपराओं को थोड़ा सा छोड़ते हुए एक नई परंपरा, लेन देन की जो नई परंपरा है, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से आज आप कैश के अतिरिक्त बहुत तरह की चीज़ों को लेन देन में प्रयोग करते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालें। जैसे कि आज हम कैश के अलावा चेक का प्रयोग करते हैं, हालांकि चेक का प्रयोग हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। जितनी धनराशि आपको किसी व्यक्ति को देनी होती है, उतनी धनराशि के लिए आप अपने खाते का चेक उसको काट कर दे देते हैं, और जो चेक प्राप्तकर्ता व्यक्ति होता है वो उस चेक की राशि को बैंक में ले जाकर चेक को भुनवा लेता है, कैश करवा लेता है और उस अमाउंट को वो प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति चेक दे, तो आप वैसे ही उस चेक को बैंक में ले जाकर कैश करवा के कैश रुपीस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि आज हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम एटीएम में जिस कार्ड को यूज़ करते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, निकालने के लिए, वो डेबिट कार्ड है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से डेबिट कार्ड के माध्यम से एटीएम में जाकर पैसे को निकालने की पूरी प्रक्रिया से वाकिफ होंगे। इसी तरह एक क्रेडिट कार्ड भी हम यूज़ करते हैं, जो बैंक के बहुत अच्छे ग्राहक हैं, जिनकी साख बैंकों में बहुत अच्छी है, बैंक उनको अपने उनका जो अकाउंट होता है उसके थ्रू उनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, और एक निश्चित धनराशि उनके लिए निर्धारित कर दी जाती है कि आप इस निश्चित मूल्य तक की राशि को क्रेडिट कार्ड के जरिए यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली एक प्रकार से उधार ही होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो खरीद फरोख्त है वो कर सकते हैं। और इनके भुगतान के अपने कुछ नियम होते हैं, इन नियमों के आधार पर वापस वो धनराशि जो आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड के जरिए निकाली है वो आपको वापस करनी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिजिटल माध्यम है व्यवसाय करने का, या फिर किसी भी प्रकार का लेन देन, आय व्यय, भुगतान प्राप्ति करने का। इसी तरह से हम बहुत सारे जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, जैसे हम देखते हैं गूगल पे के बारे में, हम देखते हैं किस तरह से हम गूगल से पे कर सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ व्यापारी कितनी भी दूर क्षेत्र का कोई दूसरा व्यापारी हो, उसको बहुत आसानी से 2 मिनट में पेमेंट कर सकता है। भीम ऐप हम यूज़ करते हैं, कई बार हम पेटीएम यूज़ करते हैं, अमेजॉन पे यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं ये डिजिटल पेमेंट के एक माध्यम हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है टैक्स की चोरी को बचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिजिटल पेमेंट करना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैश के साथ साथ बैंकिंग सुविधाएँ भी आज हमको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है। बैंक में हम अपनी धनराशि को सुरक्षित जमा करते हैं, एक तो हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित भी रहता है, और दूसरा उस पैसे पे हमको कुछ प्रतिशत ब्याज भी मिल जाता है। बहुत आसानी से जब हमको ज़रूरत है तब हम उस राशि को बैंक में जाकर या एटीएम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, जैसे हमने बात कही कि अगर कोई व्यापारी बहुत अच्छा ग्राहक है बैंक का, बैंक में उसकी साख बहुत अच्छी है, तो वो बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, यानी जितनी अमाउंट आपकी अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटी भी बैंक आपको देता है। साथ ही साथ बैंकों से हम लोन यानी कि ऋण प्राप्त कर सकते हैं एक निश्चित दर पर, और क्योंकि पहले की अपेक्षा बैंक से लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो गई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से लोन लेने की जो फैसिलिटी है उसका उपयोग आज भी कर रहे हैं।
अब बैंक व्यवहार, बैंक फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम ये जान लें कि इस बैंक में हम किस किस तरह के खाते खोल सकते हैं। तो विशेष रूप से अगर हम कुछ खातों पर नज़र डालें तो हम यहाँ पर बचत खाता देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, और FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा खाता। ये तीन तरह के मुख्य खाते होते हैं जिनमें हम सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं। बचत खाते की अगर हम बात करें तो नाम से स्पष्ट हो जाता है कि एक सेविंग अकाउंट है। आप और आपके परिवार, आप हमेशा देखते होंगे कि सेविंग अकाउंट में वो अपने बचत का कुछ हिस्सा जमा करते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी दैनिक आय या मासिक आय प्राप्त करता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के बाद वो भविष्य को देखते हुए कुछ धनराशि को बैंक पे विश्वास करके अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर लेता है, जमा कर लेता है, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो अपने सेविंग अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकता है, निकाल सकता है। तो एक तो इन खातों में सभी की जो राशियां रहती हैं वो सुरक्षित रहती हैं, और दूसरा इस पर कुछ प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त हो जाता है। दूसरा खाता हम देखते हैं चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। सामान्य तौर पे उन व्यापारियों के लिए यूज़ किया जाता है जो जिनको ज़रूरत होती है कि वो दिन में कई बार या रोज़ पैसे बैंक में जमा करें या निकालें। लेकिन ये चाहे हम बचत खातों की बात करें या फिर हम चालू खातों की बात करें, दोनों में ही पैसे जमा करना और निकालना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर जो बैंक होती है, क्योंकि हम उसमें अपनी इतनी बड़ी धनराशि जमा कर रहे हैं, तो हमको वो एक तरह से वचन देती है कि जब भी आप पैसे मांगेंगे हम तुरंत आपको पैसे उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपके द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं। इसीलिए ये जो जमा राशि है उसको कई बार आप देखते हैं कि उसको मांग राशि या फिर हम यहाँ पे कहते हैं मांग जमा भी कहा जा सकता है, DD जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्थायी जमा की, तो ये उन लोगों के द्वारा कराया जाता है जिनको बहुत लंबे समय तक कुछ धनराशि की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी आय का एक हिस्सा फिक्स डिपॉजिट यानी कि स्थायी जमा के रूप में बैंक के पास जमा कर देते हैं। साल, दो साल, छः महीने, चार महीने, इस तरह के एक निश्चित समय अवधि के लिए वो बैंक के पास पैसे जमा कर देते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी है कि इन पर जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो हालांकि बैंकों में अलग अलग बैंकों के लिए अलग होती है, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज़्यादा इनको यहाँ पर ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त हो जाती है, और इनका पैसा भी लंबे समय तक बैंक में सुरक्षित रहता है। अब आइए एक देखें कि मुद्रा की विशेषताएं क्या है इन मुद्रा, और इसके अंतर्गत हम बैंक में जो पैसा जमा है उसको भी अगर शामिल कर लें, तो दोनों को मिला के इसके लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं, कौन कौन से इसमें विशेषताएँ हैं, उस पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब से ये मुद्राएं प्रचलन में आई पत्र मुद्रा या सिक्कों के रूप में, तब से वस्तु विनिमय की जो कठिनाई थी, जिसके बारे में हमने प्रारंभ में ही बात किया, वस्तु के विभाजन की समस्याएं और जो भी आपको वांछित वस्तुएं हैं वो मिल जाएं, इस तरह की जो समस्याएं थी वो मुद्रा विनिमय के साथ साथ समाप्त हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो मुद्रा प्रचलन में आई वो सार्वभौमिक स्वीकार्यता के साथ आई, यानी कि आज जो पत्र मुद्रा प्रचलन में है वो पूरी तरीके से वैधानिक है, पूरी तरीके से पूरे देश में वो मान्य है, कोई भी व्यक्ति उस मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। तो पहले की अपेक्षा ये जो बाद में अब जो पत्र मुद्राएं प्रचलन में आई वो सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सर्वमान्य मुद्रा रही। एक महत्वपूर्ण विशेषता इनमें हम ये देखने को हमको मिलता है कि यहाँ इन मुद्राओं के माध्यम से लेन देन जो है, आय व्यय जो है, क्रय विक्रय, ये सारे जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही सरल हो गई। चाहे आप डिजिटल माध्यम से करें या प्रत्यक्ष रूप से व्यापार व्यवहार करें, दोनों ही रूपों में मुद्रा का लेन देन, मुद्रा से क्रय विक्रय, मुद्रा के द्वारा खरीद फरोख्त, सब कुछ बहुत आसान हो गया। साथ ही साथ इन मुद्राओं की अपनी एक पहचान है, जैसे कि हमने देखा कि बहुत वर्षों पहले जो मुद्राएं प्रचलन में थी उनको पहचान पाना या उनका वैल्यूएशन कर पाना थोड़ा सा कठिन था।
और अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग होती थी, लेकिन अब क्या है पूरे देश में एक ही मुद्रा का क्योंकि प्रचलन है तो इनको पहचान पाना बहुत आसान हो गया है। आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो नोट होते हैं, अलग अलग तरह के जो सिक्के होते हैं, उनको हम देख के बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं ये कितने रुपए के नोट हैं, कितने रुपए के वे सिक्के हैं। इसी में हम एक पॉइंट ये भी शामिल कर लें कि इसके साथ साथ इनकी पहचान बहुत आसान हो गई है, और यानी कि हमको इनकी वैल्यूएशन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। 100 रुपए की अगर नोट है, 100 रुपए की 5 नोट हम रखते हैं तो उसकी वैल्यू 500 रुपए के एक नोट के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम इनका वैल्यूएशन भी बहुत आसानी से अब कर पा रहे हैं, यानी इनकी कीमतें भी अपने आप में निर्धारित हो गई हैं। आइए अब हम मुद्रा के निर्गमन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करें। वास्तव में प्रत्येक देश की मुद्रा का निर्गमन उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सभी बैंकों का भी बैंक होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसे हम कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम RBI के बारे में जाने तो ये भारत में जितने भी बैंक हैं, जो हमारे आसपास जो बैंक हैं उन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इन सभी बैंकों के लिए नियम कानून का निर्धारण RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आप समय समय पर सुनते होंगे कि RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है। समय समय पर बहुत सारे बैंक से संबंधित जो नियम होते हैं, जैसे बैंक में रुपए जमा करने के नियम, निकालने के नियम, ऋण संबंधी नियम, इन नियमों में जो परिवर्तन होते हैं वो प्रत्येक बैंक अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि RBI इनके लिए गाइडलाइन जारी करता है। RBI जो भी दिशा निर्देश देता है उस दिशा निर्देश को देश के सभी बैंकों को, जिनको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। यानी हमारे देश की मुद्रा का निर्गमन भी RBI के द्वारा ही किया जाता है। और अगर हम बात करें विभिन्न देशों की कि क्या है उनके मुद्रा के निर्गमन संबंधी नियम, कौन बनाता है, किन बैंकों के द्वारा उनकी मुद्रा जारी की जाती है, तो आइए हम एक चार्ट पर एक नजर डालें। पहला, भारत देश जिसकी मुद्रा है रुपया और इसका जारीकर्ता बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, बांग्लादेश जिसकी मुद्रा है टका और इसका जारीकर्ता बैंक है बांग्लादेश बैंक। तीसरा, रूस जिसकी मुद्रा है रूबल और इसका जारीकर्ता बैंक है बैंक ऑफ रशिया। चौथा, अफगानिस्तान जिसकी मुद्रा है अफगानी और इसका जारीकर्ता बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान। पांचवा, चीन जिसकी मुद्रा है चीनी युआन और इसका जारीकर्ता बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। छठवा, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, इसका जारीकर्ता बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। सातवा, जापान जिसकी मुद्रा है येन और इसका जारीकर्ता बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ जापान। अब आइए देखते हैं कि वास्तव में बैंक के कार्य क्या हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से बैंक के केवल दो ही कार्य हैं। एक तो लोगों से पैसा जमा को स्वीकार करना, यानी अपने बैंक में लोगों के पैसे जमा रख के सुरक्षित रखना, और दूसरा, जब जमाकर्ता अपने पैसे मांगता है तो उनको वो पैसे वापस करना। लेकिन इन्हीं दो मुख्य कार्यों के अंतर्गत उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि बैंक अपने जमाओं को अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है, यानी कभी वो बचत खाते में जमा प्राप्त करता है, कभी चालू खाते में जमा प्राप्त करता है, कभी स्थायी जमा खाते में वो जमा प्राप्त करता है, और ऐसे ही बहुत सारी योजनाओं के तहत बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि पैसे वापस करने का, पैसे देने का जो बैंक का कार्य होता है, वो लोगों के द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस करने का भी होता है, और इसी के साथ साथ देने की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण कार्य जो होता है बैंक का, वो होता है ऋण प्रदान करना, यानी कि लोन देना।
आप देखते होंगे कि जब भी हमको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम बैंक से लोन लेने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बैंक से हम कुछ पैसे ऋण ले लें, उधार ले लें। अगर हम बात इन ऋण की करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक के अपने कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। ये जो ऋण होते हैं ये कई भागों में बटे होते हैं। कुछ व्यक्तिगत ऋण होते हैं, जैसे पर्सनल जो खर्च होते हैं, पर्सनल जो बड़े व्यय होते हैं उनके लिए लोग बैंकों से उधार लेते हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो उद्योग से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित होते हैं। ओवरऑल ऋण के बारे में अगर हम बात करें तो ऋण भी बैंक के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम साख के आधार पर ऋण की बात करते हैं तो यहाँ हम ऋण को तीन भागों में बांट देते हैं। एक वो ऋण जो किसी व्यक्ति विशेष से लिया जाता है, एक वो ऋण जो बैंक से लिया जाता है जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, और एक वो ऋण जो वित्तीय संस्थाओं से लिया जाता है। तो व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें तो हम बहुत पुराने समय में अगर चले जाएं तो आपने सुना होगा कि जो गांव के सेठ महाजन साहूकार होते थे उनका मुख्य कार्य ही यही था। वो लोगों को ऋण देते थे, उधार देते थे और बदले में कुछ ब्याज लेते थे, या फिर कई बार वो उनसे कुछ सामान, कोई संपत्ति, कोई कीमती वस्तु गिरवी रख लेते थे। तो ये जो ऋण लेने का की एक पद्धति जो थी वो उस समय के लोगों के लिए काफ़ी आसान थी, क्योंकि आज जब हम बैंकों से ऋण लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हमको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन पुराने समय में जब साहूकारों से, महाजनों से ऋण लिया जाता था तो बहुत आसानी से मिल जाता था। लेकिन वो जितना आसान था ऋण लेना, वहाँ पर उतना ही असुरक्षित ऋण हुआ करता था। तो इसी को देखते हुए आगे फिर जब बैंकिंग संस्थाओं का जन्म हुआ तो बैंकों के मुख्य कार्य के रूप में ऋण देना शामिल किया गया, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से बैंक कुछ निर्धारित नियमों के तहत, कुछ निर्धारित शर्तों के तहत लोगों को ऋण देती है। और तीसरा हम बात करें तो बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं भी आप देखते होंगे, टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिनमें बहुत सारे जो फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं वो ऋण देने का दावा करती हैं। ये बात अलग है कि इन वित्तीय संस्थाओं में जो ऋण दिए जाते हैं उनके ब्याज की दर बैंकिंग संस्थाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित भी होते हैं और साथ में इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ भी होती है वो भी बहुत कम होती है। फिर भी जब भी हम ऋण की प्रक्रिया करें, जब भी हम ऋण लें तो हमको बहुत सोच समझकर, उनके नियमों और शर्तों को पढ़कर ध्यान से हमको इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो ये हमने बात की ऋण हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अब हम ये देखें कि ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, क्या कारण है कि बहुत सारी बचत करने के बाद भी हमको साख की ऋण की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो दो कारणों से हम ऋण लेते हैं, एक व्यक्तिगत कारण और दूसरा व्यवसायिक। व्यक्तिगत कारणों में हम देखते हैं कि कई बार हम अपने घर में देखते हैं कि शादी के लिए भी लोन लेते हैं, जो गार्जियन होते हैं वो शादी के लिए लोन लेते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, या फिर वो अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, या फिर किसी संपत्ति को खरीदने के लिए, वाहन आदि खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं। तो ये सब जो कारण है ये व्यक्तिगत कारण है जब हमको ऋण की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हम इसको व्यवसायिक कारण कह सकते हैं, जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए या अपने व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए या किसी नवाचार के लिए बैंक से ऋण लेता है। तो ऋण अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दो भागों में हम उनको विभाजित कर सकते हैं, व्यक्तिगत कार्य के लिए और व्यवसायिक कार्य के लिए। अब हम बात करें कि इससे हमको लाभ क्या होता है, चाहे हम व्यक्तिगत किसी से ऋण लें या हम बैंक से ऋण लें या हम किसी व्यवसायिक वित्तीय संस्था से ऋण लें, तीनों ही कंडीशन में, चाहे व्यक्तिगत ऋण हो चाहे व्यवसायिक ऋण हो, एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है
कि जरूरत के समय हमको बहुत आसानी से वो राशि मिल जाती है जिसकी हमको जरूरत होती है। तो इसको हम लाभ के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक पहलू है वो ऋण का। वो ये है कि अगर लिए गए ऋण को हम लंबी अवधि तक नहीं चुका पाते हैं किसी कारण से, तो वो धीरे धीरे एक छोटी अमाउंट जो होती है वो बहुत बड़े ऋण के रूप में तब्दील हो जाती है और उसका सीधा सीधा असर जो है वो हमारे व्यवसाय पर पड़ता है। आपने सुना होगा कई बार हम देखते हैं कि कोई फर्म जो है वो दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, यानी वो इतना ज़्यादा ऋण ले लेती है कि चाहते हुए भी वो उस ऋण को नहीं चुका पाती। यहाँ तक कि उसके फर्म की जो संपत्तियाँ होती हैं, अगर उस पूरी संपत्ति को बेच दिया जाए तो भी इतनी राशि उसके पास नहीं आती है कि वो अपने द्वारा लिए गए ऋण को चुका सके। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ऋण का भुगतान लगातार सही समय पर, नियत समय पर नहीं करते हैं, तो ये जो ऋण की राशि होती है वो कई बार हमारे लिए बहुत खतरनाक, बहुत हानिकारक भी हो जाती है। तो आइए अब देखें कि मुद्रा और साख के इस पूरी व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक क्या भूमिका निभाता है। तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसके अलावा आप अपने आसपास जितने भी बैंक देख रहे हैं वो सभी वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक इन सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियम बनाए। हमने देखा कि बैंक के कार्य अपने आप में काफ़ी विस्तृत हैं, बहुत बड़ा एक क्षेत्र वो कवर करते हैं। बैंक द्वारा ऋण देना, नगद जमा स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ने पर नगद धनराशि देना, ये सारी प्रक्रिया किसी न किसी नियम के अंतर्गत की जाती है। लेकिन ये नियम कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने स्तर पर नहीं बनाते, यानी ऐसा नहीं है कि हर बैंक अपने अपने अलग नियम बना ले पैसा जमा करने, पैसा निकालने या ऋण देने लेने के संबंध में। ये सारे नियम जो है वो RBI ही बनाती है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ऋणों के संबंध में हम देखें तो ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसमें जो फ्लैक्चुएशन होते हैं हम देखते रहते हैं, वो भी उसका भी निर्धारण या ऋण संबंधी, ऋण लेने संबंधी जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक के एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि बैंकों में लोगों की जो धनराशि है, जो जमा है, वो सुरक्षित रहे, इसलिए RBI प्रत्येक जितने भी वाणिज्यिक बैंक है सभी बैंकों की जो कुल जमा राशि है उसका 4% नगद के रूप में अपने पास वो सुरक्षित रख लेती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि किसी भी कंडीशन में अगर बैंक के पास ज़्यादा धनराशि नहीं बचती, यानी उसके पास उतने पैसे नहीं होते जितने उसके जो ग्राहक होते हैं वो मांगते हैं कि हमने जो पैसा जमा किया है वो हमको वापस किया जाए, जब वो निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोगों का उस बैंक के प्रति विश्वास जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो इसलिए इन बैंकों के नगद धनराशि का 4% जो है वो रिजर्व बैंक अपने आप सुरक्षित रखती है अपने पास और ज़रूरत पड़ने पर फिर उनको वो देती है। तो लोगों की जो जमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य RBI भी करती है। एक बात यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि समय समय पर जो नोट छापने का कार्य है, जो बहुत सारे आर्थिक नीति और नियमों के तहत किए जाते हैं, उस पर भी जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो नज़र रखती है कि समय समय पर जो नोट है, जो सिक्के हैं, उनको छापा जाए और सरकार की अनुमति से, और जो भी आर्थिक नियम होते हैं नोट को छापने संबंधित उन नियमों के आधार पर फिर नोट छापने का कार्य भी RBI के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ RBI ये भी ध्यान रखती है कि कहीं मार्केट में नकली नोटों का प्रचलन तो नहीं हो गया है। आप हमेशा न्यूज़पेपर में देखते होंगे, समाचार में भी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं नकली नोट पकड़ाते हैं।
तो हमेशा आरबीआई की नजर रहती है ऐसे जगह पर, ऐसे लोगों तक जहां पे नकली नोटों का चलन हो रहा है, तो उनको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करती है। एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम ये देख सकते हैं कि आरबीआई जो है वो सभी वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी भी करती है। ये देखती है कि क्या सभी बैंक आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों सिद्धांतों के आधार पर चल रहे हैं या कहीं किसी नियम की कोई अवहेलना तो नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई इन सभी बैंकों का एक आधार है। सारे नियम कानून आरबीआई द्वारा बनाए जाते हैं और उसको फॉलो करते हुए सारे बैंक अपने बैंकों का, अपनी संस्थाओं का संचालन करते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार मुद्रा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, चाहे कोई व्यक्तिगत कार्य हो या व्यवसायिक कार्य हो या व्यवसाय का संचालन हो, उद्योगों का संचालन हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर अंत तक मुद्रा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही साख के बारे में हमने जाना कि ऋण किस लिए जरूरी है, किन नियमों के आधार पर हम ले सकते हैं और कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो मुद्रा और साख कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं आगे चल के बजट से। बैंक जो कार्य करता है वो बजट बनाकर करता है। सरकार जब मुद्रा को छापने की व्यवस्था करती है या मुद्रा या साख से संबंधित किसी नीति का निर्धारण करती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। तो आगे के अध्याय में हम देखेंगे सरकारी बजट क्या है।